हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने नोकिया C12 प्रो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि हमारे फ़ोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम जो है वो कैसे आती है। देखिए दोस्तों, हमारे मोबाइल फ़ोन का जो इंटरनल स्टोरेज होता है ना, वो लगभग फुल हो जाता है या कभी कभार बिल्कुल ही फुल हो जाता है, तब जाके हमारे फोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले ना आपको अपने मोबाइल फोन की ना गैलरी को ओपन करना है। ठीक है, मोबाइल फोन की गैलरी को ओपन करेंगे ना, इसके अंदर आपकी जितने भी फालतू की फोटो वीडियोस आपने रख रखे हैं, वो सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियोस आपको परमानेंट डिलीट कर देनी है, जिससे आपके फोन की स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स हैं, यानी कि आप अपने फोन में जिन ऐप्स को इस्तेमाल नहीं करते ना, उन सभी फालतू के ऐप्स को अपने फोन से हटा देना है, यानी कि अनइंस्टॉल कर देना है। देखिए फालतू के ऐप्स हटाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपने फ़ोन में किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो जो ऐप होता है वो आपके फ़ोन का स्टोरेज कवर करता है। क्योंकि देखिए जो ऐप होता है वो किसी न किसी MB का तो होता ही है, जैसे कि 10, 20, 50 MB, तो वो आपके फ़ोन का स्टोरेज कवर करता है। तो इसीलिए आप जो है फ़ोन से फालतू के ऐप्स को हटा देंगे, तो इससे आपके फ़ोन की स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों अगला काम आपको ये करना है कि देखिए आपके मोबाइल फ़ोन में ना काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स होंगे जिनके अंदर आपको बैकअप की सेटिंग मिलती है। ठीक है, तो आपको जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप की सेटिंग मिलती है, उन सभी ऐप्स में से आपको बैकअप सेटिंग को बंद करना है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाने के लिए बता देता हूं। देखिए यहां पर मैंने एग्जांपल के लिए अपने फोन की गैलरी को ओपन किया है। इसके अंदर देखिए सबसे ऊपर ये राइट साइड के टॉप पर प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसे आपको टैप करना है। तो यहां पर ये वाला एक पेज ओपन होगा, इसमें आपको देख सकते हैं बैकअप की सेटिंग है। तो मैंने इस ऐप की जो है बैकअप सेटिंग पहले से बंद कर रखी है। अगर आपकी बैकअप सेटिंग चालू रहती है ना, तो आपको नीचे यहां पर जो है ऑफ का बटन होगा, ऑफ पर टैप करके इस बैकअप सेटिंग को आपको बंद करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको और भी जिस ऐप में बैकअप सेटिंग मिल जाती है, उन सभी ऐप्स में से आपको बैकअप सेटिंग को बंद कर देना है। ठीक है ना, अब दोस्तों अगला काम ये करना है, देखिए आप ये तो हो गया ऐप्स की बैकअप सेटिंग के बाद, अब आपको मोबाइल फोन की बैकअप सेटिंग को बंद करना है। इसके लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, इसमें आपको जो है ना सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है, इसके अंदर बैकअप पे टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज में अगर यहाँ पर ये ऑन का बटन अगर होगा, तो इसे ऑफ कर, ऑफ का बटन दिखाई देगा तो ऑफ पे टैप कर देना है, इससे आपकी बैकअप सेटिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आपको है ना बैकअप सेटिंग को बंद कर देना है ऐप्स की और मोबाइल फोन की। अब दोस्तों अगला प्रोसेस ये करना है कि आपके फोन में जितने भी ऐप्स हैं, इन सभी ऐप्स को रीसेट करना है, यानी कि इन सभी ऐप्स का डेटा क्लियर करना है। कैसे, देखिए अगर आप किसी भी ऐप को उंगली से अगर आप दबा के रखेंगे ना, तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का। इस पेज में आपको ये ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा, या फिर सर्कल के अंदर जो आई बटन बना हुआ है, इसे आपको टैप करना है। तो आपका ना ये वाला पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। ठीक है, तो अगले पेज में दो ऑप्शन मिलते हैं, तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले क्लियर कैच पे टैप करना है, इसके बाद क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है। आपका एक पेज आएगा, इसमें आपको ओके कर देना है। तो आपका नीचे यूजर डेटा और ये कैच, इन दोनों के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इस तरीके से मोबाइल फोन के सभी ऐप्स को रीसेट कर देना है। ठीक है ना, अब दोस्तों सबसे आखिरी प्रोसेस आपको यह करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट आपको तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको जो है ना सबसे नीचे की साइड सिस्टम पर टैप करना है, इसके अंदर रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पर टैप करना है, इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी काम का डेटा है वो आपको किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर करना है या उसका बैकअप लेना है। फालतू का डेटा फोन में ऐसे ही छोड़ देना, रीसेट करने से फालतू का डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की GMAIL ID और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही फोन को रीसेट करना है। इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस बताए सारे आपको यूज करने, तो इससे आपके फोन की स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।